हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं गांधी के जो 11 डिमांड्स थे उनको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कि ब्रिटिश क्राउन के पास था। उसको अल्टीमेटम दिया गया था कि ये जो 11 डिमांड्स हैं इनको आप एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज़ हम जो अपना CDM सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है उसे हम लॉन्च कर देंगे ऑल ओवर इंडिया। तो जो भी ये 11 डिमांड्स है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ये हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम बुक है उसकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिए मैंने एक सीरीज़ बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। कई टॉपिक्स उसमें कवर कर चुका हूँ और ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी जब तक मैं सारे टॉपिक्स ख़त्म नहीं कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो गांधी के 11 डिमांड्स थे गांधी जी के, वो जो लाहौर जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें ये जो 11 डिमांड्स थे वो गवर्नमेंट के सामने रखा गया था 31 जनवरी 1930 को। बेसिकली तो जो पहला डिमांड था वो ये था कि जो आर्मी और सिविल सर्विसेज के जो एक्सपेंडिचर हैं उसको 50% तक आप कम कर दीजिए, रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड सिविल सर्विसेज बाय 50%। बेसिकली क्योंकि आर्मी और सिविल सर्विसेज पे काफ़ी ज़्यादा इनका जो खजाने से जो पैसा जाता था जो वो काफ़ी ज़्यादा जाता था, तो उसको रिड्यूस करने के लिए 50% की डिमांड रखी गई थी। इसके बाद जो सेकेंड इश्यू था, जो सेकेंड डिमांड थी वो ये थी कि इंट्रोड्यूस टोटल प्रोहिबिशन। सेकेंड डिमांड जो रखी गई थी वो टोटल प्रोहिबिशन की रखी गई थी। इसके बाद अगर मैं थर्ड डिमांड की बात करूँ तो थर्ड डिमांड में रखा गया था कि बेसिकली जो CID है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसमें रिफॉर्म लाए जाएँ जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। और फोर्थ डिमांड रखी गई थी कि जो आर्म एक्ट है उसमें चेंजेस लाया जाए। और इसके बाद जो फिफ्थ डिमांड रखी गई थी उसमें कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको रिलीज़ करने के लिए डिमांड रखी गई थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए जेल से। एंड उसके बाद सिक्स्थ डिमांड जो रखी गई थी वो इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्ट पोस्टल रिजर्वेशन बिल। बेसिकली इसमें पोस्टल रिजर्वेशन बिल की बात रखी गई थी, जो कि एक्सेप्ट करने की बात रखी गई थी। ये था आपका इश्यू ऑफ जनरल इंटरेस्ट था। अगर स्पेसिफिक ब्यूर्जियस डिमांड की बात रखें तो सेवन्थ जो डिमांड थी वो ये थी कि जो रुपी और स्टर्लिंग का एक्सचेंज रेशियो है उसको रिड्यूस किया जाए टू 1:4। बेसिकली जो रुपी और स्टर्लिंग का एक्सचेंज रेशियो है उसमें भी रिड्यूस करने की डिमांड रखी गई थी। एंड दी एट्थ डिमांड थी कि इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल प्रोटेक्शन, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की उसको प्रोटेक्ट करने की बात रखी गई थी, क्योंकि जो लंकाशायर और जो इंग्लैंड के और सारे कॉलोनियल एरिया थे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो जो आपकी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट होते थे वो इंडिया में लाए जा रहे थे, तो उससे कारण जो इंडिया की टेक्सटाइल मार्केट थी वो काफ़ी डाउन हो चुकी थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात रखी गई थी। एंड द नाइन्थ पॉइंट इज़ रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस। बेसिकली जो कोस्टल शिपिंग है, जो कि शिपिंग इंडस्ट्री है या जो शिप में जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये बात रखी गई थी कि वो इंडियंस के लिए रिजर्व की जाए। अगर पीजेंट के स्पेसिफिक जो पीजेंट डिमांड्स थी वो ये थी 10th कि जो लैंड रिवेन्यू है उसको रिड्यूस किया जाए बाय 50%। 50% लैंड रिवेन्यू में भी जो रिडक्शन है वो किया जाए। इसके बाद जो लास्ट डिमांड थी कि एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। बेसिकली जो सॉल्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट को हटा दे। और ये सारे जो 11 पॉइंट्स हैं वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको चैनल जो वीडियो है ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।